जब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड है जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, बट हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको पांच पांच ऐसे फूड बताऊंगी जो आप इजीली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में और आप ले भी सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानू चौड़ा। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेंगे, जैसे कि हम कुछ न्यूट्रिशनल हेल्थ के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरीके की आपकी डाइट होनी चाहिए, आपको डाइट में अपने क्या क्या लेना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट या कितना फैट लेना चाहिए, उस बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। और ऐसे पांच पांच फूड्स भी बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में उसको ले सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें हम टू टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके अंदर विटामिन होते हैं, और विटामिन में भी फैट सोल्युबल और वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन की सीरीज तो मैंने अलग से बना रखी है, अगर आप विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको विटामिन के बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो विटामिन जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करने वाले हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। इस पूरी जो वीडियो है इसमें हम पांच पॉइंट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से पांच पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अच्छी तरीके से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और हमें गुड कार्बोहाइड्रेट लेना है। सेकंड में हम फैट की बात करेंगे, फैट में सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है या अनसैचुरेटेड फैट, उस पर डिस्कशन करेंगे। थर्ड में हम प्रोटीन पर अटेंशन करेंगे कि हमें प्रोटीन में क्या क्या लेना चाहिए और कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ में हम फाइबरस डाइट के बारे में बात करेंगे, एंड फिफ्थ में हमें ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, उस पर डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 44-55% ऑफ हमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक दिन में हमारी कंप्लीट जो 100% डाइट में लेना पड़ता है। सो कार्बोहाइड्रेट का हम अगर किलोग्राम के हिसाब से देखें तो हमें 3-8 ग्राम जो है वो किलोग्राम के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंटू कर सकते हैं अपने वेट के अकॉर्डिंग कि आपको कितना कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट कितना लेना, किन फूड्स में ये सारी चीजें होती है। तो अब जब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फूड है जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, बट हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको पांच पांच ऐसे फूड बताऊंगी जो आप इजीली अवेलेबल भी होते हैं मार्केट में और आप ले भी सकते हैं उन्हें। सबसे फर्स्ट में लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल की बात करते हैं, जो अगर आप 100 ग्राम ऑफ मसूर की दाल लाते हैं तो उसमें आपको 20-21% कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। तो मसूर की दाल काफी हेल्दी होती है, तो आप उसे डेली अपने रूटीन में एक बार ले सकते हैं, या वीक में 3 बार भी आप इसे लेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट की आपको पूर्ति हो जाएगी। सेकंड में आते हैं ओट्स। ओट्स जो अगर आप 100 ग्राम परचेस करते हैं तो उसमें आपको 66 ग्राम जो है वो मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट। तो ओट्स में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आप ओट्स ले सकते हैं। स्वीट पोटेटो को आप 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर आपको 20-21% आपको उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आगे आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के अंदर 44 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है अगर 100 ग्राम ब्रेड खाते। बनाना जो है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी भी होती है और हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, तो आपको 23 ग्राम जो है बनाना से कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा अगर आप 100 ग्राम बनाना लेंगे तो। बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट के और भी सोर्स हैं, जैसे कि आप इसमें आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, उसके बाद में आप नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, ग्रीन बीन्स हो गए, किडनी बीन्स हो गए, उसके बाद नट्स में आप पीनट्स, वॉलनट्स। हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको डाइट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको बैलेंस डाइट आपकी बतानी है कि आपको कोई डिसीज है, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए आपको, और आपको अपनी वेट के अकॉर्डिंगली पता नहीं चल पा रहा है कि आपको कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट लेना है, कितने विटामिन्स लेने हैं, सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका बिल्कुल आंसर करूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको आगे भी और देखने को मिलेगी।